लोकसभा चुनाव से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा प्लान फेल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। जानकारी के अनुसार इस कंसाइनमेंट की सप्लाई लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर हाशिम बाबा गैंग को होनी थी। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के कंसाइनमेंट को जब्त कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस ने हथियार सप्लायर अदनान को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 8 पिस्टल और 80 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक इनपुट मिला कि अदनान हथियारों का जखीरा लेकर दिल्ली के वेलकम इलाके में आने वाला है। ये भी बताया गया कि हथियारों की डिलीवरी हाशिम बाबा गैंग को की जानी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने वेलकम थाना इलाके में ट्रैप लगाया और पहचान करने के बाद सप्लायर को दबोच लिया गया। अदनान ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वो हथियारों की खेप खुर्जा बुलंदशहर यूपी से खरीदता था। उसके बाद दिल्ली में गैंगस्टर के गुर्गों को सप्लाई करता था। हाशिम बाबा गैंग, छेंग गैंग सदस्य इन्हीं हथियारों के दम पर बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, जिसमें मर्डर, फायरिंग और एक्सटोर्शन जैसी वारदातें शामिल है। बताया जा रहा है कि सप्लायर अदनान जेल में गैंगस्टर हाशिम बाबा से मिला था और तभी से हाशिम बाबा के संपर्क में बना हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और अन्य गैंग मेंबर्स की तलाश की जा रही है। टीम जीन को